Hello students, this is Deep Jethwani and I am your physics faculty. Students, in our last lecture, हमने बात कर ली है about converging of a unit system, converging of a physical quantity from one unit system to the another. मतलब कि एक physical quantity है हमारे पास, अगर उसको हमें convert करना है एक unit system में से दूसरी unit system के अंदर students, तो हमें उसका कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे हमने फॉर्मूला निकाला था, N1 N2 वाला फॉर्मूला निकाला था एक यूनिट सिस्टम के अंदर, न्यूटन, वन न्यूटन जो था उसका क्वांटिटी जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो जो अमाउंट है, वो दूसरी क्वांटिटी के अंदर कितना होने वाला है, उसकी हमने डिस्कशन की हुई थी स्टूडेंट्स. हमने उसके बाद वर्क के लिए भी डिस्कशन किया हुआ था, जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया हुआ था स्टूडेंट्स. तो ये जो है हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये सब देख लिया है और आज हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड एप्लीकेशन के बारे में स्टूडेंट्स. वो जो है दैट इज़ डिड्यूसिंग एनी फिजिकल फॉर्मूला फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज. ठीक है, मतलब कि अगर सपोज कि मान लो कि हमें कोई एक फिजिकल, मतलब कि हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, फॉर्मूला बनाना है कोई भी, तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मान लो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला बनाना है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला बनाना है अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले तो हमें सेंट्रीपेटल फोर्स किन किन चीज़ों के ऊपर, किन किन दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स है एफ, उसका फॉर्मूला अभी तुम लोगों को तो पता है, इसलिए अगर नहीं पता होता और बनाना होता तो हमें पहले क्या करना होता कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करते, फिर सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सपेरिमेंट पहले करते, फिर हम देखते कि ये जो है वो किन किन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स. फिर हम देखते कि भाई ये तो मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. विट मीन्स के सेंट्रीपेटल फोर्स किन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी, रेडियस, तीन चीज़ों के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड कर रहा है. तो हमें पहले वो तीन चीज़ें हमारे पास मिल जाती है, तीन फिजिकल क्वांटिटीज मिली. ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल टू दिस एफसी, मतलब एफसी ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल में है किसके साथ, एम, वी और आर. लेकिन हमें ये पता नहीं कि एम की कितनी पावर होगी, वी की कितनी पावर होगी और आर की क्या पावर होगी. तो हम क्या करेंगे, ए पावर, बी पावर, सी पावर सपोज कर लेंगे. ठीक है, सपोज एम की ए पावर, वी की बी पावर, आर की सी पावर. इस तरीके से हमें इन शॉर्ट पहले वाले क्या पता होना चाहिए हमें कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी का हमें जो फॉर्मूला, जो एक्सप्रेशन बनाना है, वो एक्सप्रेशन जो है वो दूसरी किन किन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रखता है. तो ये भी हम निकालेंगे होमोजीनिटी के ऊपर से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर से ये निकालेंगे हम. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, चलो हम निकालते हैं डिड्यूसिंग रिलेशन. डिड्यूसिंग रिलेशन हमारा टॉपिक अमोंग द डिड्यूसिंग रिलेशन among physical quantities. Okay, so हमें relation निकालना है, deducing relation among the physical quantities. ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स. दिस इज अवर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एनालिसिस, सॉरी डायमेंशनल एनालिसिस. सो डायमेंशंस का यूज तीसरा हम देख रहे हैं, तीसरा डायमेंशन का यूज देख रहे हैं हम कि कोई भी एक्सप्रेशन बनाने के लिए भी वी कैन यूज दिस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड. तो हमें इसमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, हमें इसमें बेसिकली चीज़ें तो ये याद रखनी है कि पहले इसमें भी हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो लगाना ही लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें भी लगेगा. और इसके आगे हमें क्या याद रखना है कि इसमें से हम जो एक फॉर्मूला जो डिराइव करने वाले हैं वो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा होगा
वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने फाइंड करना है वो दूसरी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है वो निकालना है। मतलब कि अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया तुम लोगों को कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला, जिसका तुम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है वो ले लो पहले। सपोज मान लो कि भाई सेंट्रीपेटल फोर्स का हमने लिया था ये, सपोज ये उसकी जगह पे मान लो कि जो ऑसिलेशंस करते हैं, जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलना है तुम्हें, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी वो कैसे निकलेगा? तो पहले वाले तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये टी जो है टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो दूसरी किन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, पहले वो तैयार करो, वो प्रिपेयर करो, उसके बाद हम इस मेथड को फॉलो करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू सीधा एप्लीकेशन वर्जन के ऊपर जाते हैं इसका, क्योंकि ओरिजिनली एप्लीकेशन ही है, तो हम सीधा थियोरी को छोड़ के थियोरी इसके साथ साथ लेते जाते हैं, लेकिन हम इसके एप्लीकेशन वर्जन के ऊपर सीधा जाते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते, एक सैम्पल एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स का एग्जांपल हमने लिया हुआ एक। तो क्या है क्वेश्चन, अगर ऐसा तुम लोगों को दे कि लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन, हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कि लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स एफ, यानी कि एफ का फॉर्मूला डिराइव करना है ऐसे बोल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ होगा। और अगर तुम लोगों को बोला जाए कि सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करो, वो जो एफ है, एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विथ वेलोसिटी वी, मतलब कि वेलोसिटी वी मिल गई, मास वी मिल गया, फिर क्या आगे दिया हुआ है देखो तो जरा, इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन, सॉरी एक ही मिनट, मास एम मूविंग वेलोसिटी वी एंड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर, मतलब तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक मेरे पास है, क्वेश्चन में तीन चीज़ें दी गई है, एक दिया गया है मास, दूसरा दिया गया है वेलोसिटी, तीसरा दिया गया है रेडियस, तीन चीज़ें हमें गिवन है। सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब हम पहले पहले ये लिख सकते हैं कि एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा दैट सेंट्रीपेटल फोर्स एफ इज डिपेंड्स ऑन वॉट ऑन, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एफ इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये तीन चीज़ें हमें दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है एम वी आर, सो दैट इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर दिस एफ सी इज totally depending, clear है? पहले वो हमने बनाया, now what we have to do, let suppose कर देना है, let यहाँ पे mass जो है वो m a होगा, velocity जो होगा वो v b होगा, v raised to b, r जो है वो radius जो है वो r raised to c होगा। चलो पहले ये step समझ में आया, okay, so this is the first step to solve this dimensions, solve this formula, या तो कोई भी expression बनाने के लिए। सो एफ सी, इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट व्हेन वी हैव टू रिप्लेस द कॉन्स्टेंट साइन, तो किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल्स टू के साथ रिप्लेस करेंगे, साथ साथ में कॉन्स्टेंट टर्म लगाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हर बारी में कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे लगाना, के क्या लगाओगे तुम लोग, कॉन्स्टेंट टर्म लगाओगे, के लगाओगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, एम रेस टू ए, वी रेस टू बी, आर रेस टू सी। चलो तो स्टूडेंट्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन नाम दे देना है, ये नंबर इक्वेशन नंबर वन हो गया हमारा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ हमें सबके डायमेंशन फॉर्मूला लगाने हैं, लेकिन पहले एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, अरे के पहले डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर ढूंढ लो, उसके बाद लगाने हैं। इक्वेशन नंबर वन के अंदर सबके डायमेंशन फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे कि लेफ्ट साइड में कितना मास है, राइट साइड में कितना मास है, लेफ्ट में कितना वी है, राइट में कितना वी है, वो हम मैच कर लेंगे। देखो यहाँ पे फोर्स के लिए एफ इजिकल्स टू एम ए का फॉर्मूला है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा एम वन एल वन टी माइनस टू। चलो ये फोर्स का मिला,
मास का तो एम वन ही होता है, वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वी का क्या बनेगा एल वन टी माइनस वन। चलो बना, फिर आर रेडियस का क्या बनेगा, रेडियस का बनेगा एल वन, क्योंकि रेडियस भी लेंथ में ही मेजर करते हैं ना हम। यहाँ पे आर रेडियस का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यार इसको हटा कर लिख देते हैं एक बारी। चलो लिख दिया है हमने यहाँ पे आर का फॉर्मूला, क्या बन रहा है यहाँ पे एल वन बन रहा है, क्या बन रहा है भाई एल वन बन रहा है। चलो ये क्लियर है, क्लियर, अच्छा है। चलो तो अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि नाउ ऑल दिस फॉर्मूला वी हैव टू प्लेस इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो फोर्स का क्या है, पहले तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। फोर्स का क्या है, पुटिंग द डायमेंशन फॉर्मूला इन इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूलास इन इक्वेशन नंबर वन, व्हाट वी गॉट, क्या मिलेगा भाई बताओ जरा। एफ सी कितना है यहाँ पे बताओ, चलो एम वन है, एल वन है, टी माइनस टू है। ओके, और एक बात बताऊँ मैं यहाँ पे, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, हमने ऐसा मान लेना है। सर हर बार मानेंगे? हाँ सर हर बार मानना है कि ये जो के है उसके पास उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ऐसा मान लेना हमें। ठीक है, क्या मानना है कि इस के का कोई डायमेंशनल, के इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेट के इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चलो क्लियर है, हर बार मानना है। यस, अगर सर फिर तुम लोगों का क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर अगर कोई एक ऐसा केस हो कि जहां पे के का डायमेंशन हो तो ये मेथड काम नहीं करेगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, अंडरस्टैंड, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। चलो क्लियर है, ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो के को हमने डायमेंशनलेस मान लिया है, एम कितना है मास, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिर्फ एम वन होता है ना, उसका पावर क्या है यहाँ पे ए है। फिर वी वेलोसिटी का क्या है, एल वन टी माइनस वन, उसका पावर कितना है यहाँ पे बी पावर चढ़ रहा है यहाँ पे। आर का कितना है यहाँ पे एल वन है, उसका पावर कितना चढ़ रहा है यहाँ पे सी चढ़ रहा है। अभी देखो तो ज़रा यहाँ पे देखना, एम वन रेस टू ए, तो एम ए हो गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एल बी को अलग अलग से, मतलब कि सबकी पावर अलग अलग से दे दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम रेस टू ए इंटू एल रेस टू बी इंटू टी रेस टू माइनस बी इंटू एल रेस टू, यहाँ पे क्या सी वन जा सी हो गया, आया ना। चलो समझ में आई बात, अभी एम रेस टू सिर्फ यहाँ पे और दूसरा कोई एम है नहीं है, तो ए का ए ही रखेंगे इंटू, अभी क्या करेंगे हम एल, एल के लिए क्या करेंगे, देखो एल दो बार है, एल एस टू बी भी है, या तो ब्लू पेन से दिखा देते हैं तुम लोगों को, एल एस टू बी भी है और एल एस टू सी भी है, है? तो एल एस टू बी और एल एस टू सी देखो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर का क्या होगा, दोनों के पावर का क्या होगा, पावर का होगा सम, तो एल एस टू आंसर क्या आएगा बी प्लस सी, और टी रेस टू क्या होगा, टी रेस टू माइनस बी होगा। चलो तो ये हमें डायमेंशनल फॉर्मूले मिल गए, इस तरफ और इस तरफ, यहाँ पे क्या मिला M1, ये तो जो है वही का वही M1 L1 T माइनस टू। अभी कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर टू, कंपेयर करना है, क्या करना है हमें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर टू, टू को कंपेयर करना है, क्या होगा यहाँ पे देखो m रेस टू a है, यहाँ पे m रेस टू कितना है वन, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। इसको ऊपर से क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर टू, टू को कंपेयर करो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, a इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें टू मिला सीधे सीधा। फिर ये b प्लस सी, एल की पावर जो है यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल्स टू वन है, मतलब क्या हम लिख सकते हैं इसमें कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू वन है। फिर तीसरा क्या लिख सकते हैं, माइनस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है माइनस टू है, माइनस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है माइनस टू है। चलो ये कंपेरिजन समझ में आया सबको, चलो क्लियर है, ओके okay।
तो तीन चीजें दैट वी हैव टू कंपेयर हियर। अभी एक ही तो हमारे डायरेक्ट एक का डायरेक्ट आंसर मिल गया कि ए इज इक्वल्स टू 2 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 है, तो देखो तो भाई यहाँ पे जो था माइनस बी था इज इक्वल्स टू माइनस 2 है, माइनस माइनस कट कर दो, बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, बी की वैल्यू 2 इसमें प्लेस कर दो, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन, सो वॉट वी गॉट, बी की जगह पे 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 रखो, तो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1, c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 1, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1। चलो क्लियर है, नाउ प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लेस कर देना स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या कर देना है ये सारी वैल्यूज को लेके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लेस कर दो, तुम लोगों को तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ये मतलब कि जो एक्सप्रेशन निकालना था वो मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एफ सी इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम यहाँ पे, एफ सी इज इक्वल्स टू करेंगे के इन टू एम रेस टू जगह छोड़ता हूँ, वी रेस टू जगह छोड़ता हूँ, आर रेस टू के लिए भी जगह छोड़ रहा हूँ। चलो एम रेस टू ए, ए क्या है भाई, ए 2 है तो एम का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, v रेस टू बी, बी क्या है भाई 2 है तो यहाँ पे लिखो 2, r का क्या है c है तो c यहाँ पे क्या है माइनस 1 है। चलो ये पहले सुन ना ही बात, ये पहले क्लियर हुआ, ओके ये पहले सुन ना ही बात। चलो इसके बाद हम वैल्यू रखते हैं m, अरे यार m इज इक्वल्स टू 2 क्यों आया, देखो भाई m इज इक्वल्स a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, हमने बाई मिस्टेक a इज इक्वल्स टू क्या यहाँ पे 1 है, हमने बाई मिस्टेक 2 लिख दिया यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, a इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1 है, और b प्लस सी इज इक्वल्स टू है 1, माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 है, तो a इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे भी मैं करेक्ट कर लेता हूँ पहले। चलो m रेस टू 1, चलो क्लियर है, यहाँ से हमारी एक मिस्टेक हो गई थी वो हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया सिर्फ। चलो m 1, m रेस टू 1, v का स्क्वायर, r रेस टू माइनस 1 है। चलो उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये पावर ऊपर है माइनस पे, डिनोमिनेटर में आएगा पावर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन r का r एज इट इज रहेगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k m v स्क्वेयर अपॉन r, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना, एफ सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा कि k इंटू एम वी स्क्वेयर अपॉन r, ठीक है। बट नाउ जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो द एक्सपेरिमेंटल मेंटल वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 1, हिंस एफ सी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, के की जगह पे 1 रख दो तो क्या रहेगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। चलो ये हो गया हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, सो डिड्यूसिंग द रिलेशन रिलेशन अमोंग द फिजिकल क्वांटिटीज, तो हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव किया है, एम वी आर और सेंट्रिपेटल फोर्स एफ, इन चारों के बीच में रिलेशन हमने डिराइव किया है, क्लियर है। तो इस मेथड को हम यूज़ करेंगे अगर हमें बोला जाए कि भाई रिलेशन या तो कोई भी एक एक्सप्रेशन डिराइव करो, कोई नया फॉर्मूला बनाना है, तो ये इस एक एग्जाम्पल के ऊपर से हम दूसरा एग्जाम्पल भी, दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, तो वो हम प्रीफर करते हैं टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल एक दिया गया है हमारे पास, चलो इसको मैं पहले इरेज कर डालता हूँ, इसको अटैच टू अ स्ट्रिंग, मतलब कि ऐसा कुछ, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, हो गया पेंडुलम, ठीक है। चलो एक सिंपल पेंडुलम है, अभी क्या करना है, आगे क्या बोला कि हैविंग अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, एक बॉब अटैच कर दिया है दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, पीरियड यानी कि यहाँ पे जो टी है ये ऊपर जाएगा कहाँ तक, तो कि यहाँ तक, और ये यहाँ पे ऊपर जाएगा कहाँ तक, तो कि यहाँ तक, ठीक है। तो
तो जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट इज टी, टी इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम, तो टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन व्हाट, कौन कौन सी चीज के ऊपर डिपेंडेड करता है। देखो टी इज डिपेंडिंग ऑन एम दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब। सपोज कि इसका बॉब का मास जो है दैट इज एम, यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज एल, एल दिया गया है, फिर क्या बोला हुआ है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द प्लेस, इस प्लेस के ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है जी, इन तीन चीजों के ऊपर टी इज डिपेंडिंग, टोटली डिपेंडिंग इन तीन चीजों के ऊपर। ओके क्लियर है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम इतनी लेंथ से नीचे जुड़ा हुआ है, ये मास है पेंडुलम का, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है पेंडुलम का। तो पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव करना बोल, मतलब कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने का बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटी जी एट द प्लेस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो अभी हमें इसका फॉर्मूला कि टी जो है यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है टी, तो टी जो है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे एक मास है, एक लेंथ है और एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने इसके पहले वाले समय भी किया था वो यहाँ पे रिपीट करेंगे कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू ए, एल रेस टू बी एंड जी रेस टू सी कर लेंगे यहाँ पे हम। मतलब कि ये जो टाइम पीरियड जो है वो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इसके सामने प्रोपोर्शनलिटी के अंदर हमने लिखा। चलो क्लियर है पहले, अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म के लगेगा, ठीक है, बाकी का सब एज इट इज लिखना है। अच्छा इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर दो, क्या दो सॉरी एक, एक इक्वेशन नंबर वन। और मैं यहाँ पे दूसरी बात याद दिला दूँ कि ये जो k है इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म बट इसका कोई डायमेंशन नहीं है, वो हमने सपोज किया हुआ यहाँ पे। नाउ अभी हमें क्या करना है, हियर हमें सबके अलग अलग डायमेंशंस निकालने हैं, फिर हम दोनों सबके जितने भी क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबके सबके डायमेंशंस निकालने हैं, सबके डायमेंशंस हम अलग अलग लिखने वाले हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे सबके डायमेंशन इक्वेशन नंबर वन में डालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले कि ये टी है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है सिर्फ टी वन ही होगा, ठीक है। फिर होगा मास का, तो मास के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा मास का दैट इज एम वन, ठीक है। फिर होगा लेंथ का, तो जो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ एल वन। फिर होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का, तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, याद है नहीं याद है तो निकालो फॉर्मूला लगाओ, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का निकाल लो तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो एम जीरो एल वन टी माइनस टू यहाँ पे होता है फॉर्मूला, तुम लोगों को याद होगा इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने ये सॉल्व करवाया हुआ है। अभी ना हम यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद इन सब की वैल्यूज, नाउ वी आर प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ टी एम एल एन जी, वी आर प्लेसिंग द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ टी एम एल एन जी इन इक्वेशन नंबर वन, देन व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिलने वाला है, टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो टी वन, इसके यहाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला तुमने यहाँ पे देख लिया, और सर के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बताओ, के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है सर, कुछ भी मतलब कि अभी अभी हमने बोला है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अगर जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला एम जीरो जीरो टी जीरो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स भूलना मत के कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे एम एस टू ए, तो एम का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो एम वन लिख लिया यहाँ पे, उसका पावर कितना है, उसका पावर है ए, अभी उसके बाद लेंथ का कितना है, तो कि लेंथ का है एल वन, उसका पावर यहाँ पर है बी, फिर यहाँ पे जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे है एम जीरो एल वन टी माइनस टू उसकी पावर सी, यहाँ पर ही है ना,
बिल्कुल, चलो यहाँ पर ही अभी। तो क्या करना है अभी हमें यहाँ पे, अभी हम करेंगे क्या? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें इन सबको अलग अलग से पावर दे देना है, m रेस टू a, m रेस टू 1 रेस टू a, तो इसको क्या हो जाएगा, m रेस टू a, हम लिख सकते हैं इसको, फिर इसको लिख सकते हैं l रेस टू b, 1 इंटू b, आया ना? ठीक है ना। चलो उसके बाद 0 रेस टू c, तो 0 ही हो जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, l रेस टू 1 उसके मल्टीप्लाई बाय उसके रेस टू c है, तो l रेस टू c लिख सकते हैं, और t रेस टू 2 इंटू c, तो माइनस 2 c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं c। चलो अभी यहाँ पे L, L, बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन, क्या होगा, एक है B और दूसरा है C, तो B और C इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन की साइन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, M रेस टू A, L रेस टू B प्लस C और T रेस टू माइनस टू C। यहाँ पे M जीरो, L जीरो, T वन। चलो ये पहले हुआ, हाया ना ठीक है, चलो क्लियर है, डन। अभी हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी ओनली हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन नंबर 2, ओके, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर कर देना है, कंपेयरिंग एलएचएस एंड आरएचएस, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस ऑफ इक्वेशन नंबर 2, दो को कंपेयर करना है इसको, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर 2, व्हाट वी गॉट, m की पावर 0 है, m की पावर a है, इसका सीधा मतलब निकलता है कि a यहां पर है, 0 यहां पर है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, कि a इज इक्वल्स टू सीधे सीधा हमें आंसर मिल गया 0। चलो एक तो मिल गया हमें, दूसरा क्या है, यहाँ पे l के पावर क्या है 0, यहाँ पे l के पावर क्या है b प्लस सी है, तो अगर यहाँ पे b प्लस सी पावर होगा l का और यहाँ पे होगा 0, तो हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, चलो वो भी क्लियर है। उसके बाद t के पावर 1 है, t के पावर माइनस टू सी है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस टू सी इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल। तो पहले पहले हम यहाँ से c को फाइंड करते हैं, C क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस वन बाई टू मिलने वाला है, चलो क्लियर है, C यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस वन बाई टू। चलो अभी इसके बाद क्या होगा, देखो C इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू की पावर हम यहाँ पे डालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, कि B प्लस करके तो माइनस वन बाई टू और इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 1 बाई टू मिलेगा सिर्फ, और A इज इक्वल्स टू हमारे पास तो 0 तो ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है ए बी सी सब कुछ मिल तो गया, अभी और में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अभी हमें इस ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज को डालना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या होगा, नाउ वी आर प्लेसिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 के अंदर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे t, तो t इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, t का तो t रखेंगे, k हमें सिर्फ a b c की वैल्यूज इसमें इसके अंदर रखनी है भाई, तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, k इंटू m रेस टू a, तो भाई a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे L रेस्ट टू क्या है, B, तो L रेस्ट टू B मतलब B क्या है यहाँ पे, 1 बाई टू है, G रेस्ट टू यहाँ पे क्या है, C, तो C इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई टू हो जाएगा, चलो ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, आई बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, A B C की जो तीनों के तीनों वैल्यूज थी वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल दी, बस खत्म, कंप्लीट, डन। ये क्या मिल गया, ये हमारा इक्वेशन मिल गया, हमें जो फाइंड करना था स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन दिया गया था कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, T का फॉर्मूला फाइंड करो भाई, तो हमने निकाल लिया, T का क्या फॉर्मूला मिला, अभी देखो इसमें से भी किसी के भी रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 द आंसर इज 1, एनीथिंग रेस टू 0 द आंसर इज 1, चलो क्लियर है, एनीथिंग रेस टू 0 द आंसर इज 1, क्लियर है, चलो वेरी गुड, ओके।
तो के का के रखेंगे यहाँ पे हम, एवरेज टू जीरो का एवरेज टू जीरो रखेंगे हम यहाँ पे, लेकिन इसको हम वन कर देंगे। फिर देखो तो ज़रा एल रेस टू वन बाई टू, तो तुम लोगों को पहले स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि किसी के भी रेस टू वन बाई टू यानी क्या होगा, किसी के भी रेस टू वन बाई टू इट मीन्स देखो यहाँ पे किसी के भी रेस टू वन बाई टू मतलब कि वो रूट में आ गया। तो यहाँ पे हम एल को क्या कर देंगे, एल को भी डाल देंगे रूट के अंदर, रूट में एल। लेकिन सर आपने जी रेस टू माइनस वन बाई टू का तो कुछ नहीं बोला, बोल देते हैं भाई। देखो अभी ऊपर है तो माइनस है, न्यूमिनेटर में है वो माइनस है, डिनोमिनेटर में लेके जाओ प्लस हो जाएगा। तो जी रेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वन बाई टू प्लस में। देखो तो ज़रा फिर से, देखो तो ज़रा फिर से, देखो तो ज़रा वन बाई टू किसी के भी रेस टू वन बाई टू किसमें लिखना है उसको, रूट लगा देना है यार। तो दे दो इसको वन बाई टू हटा के रूट लिख लूँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारा आया आंसर। लेकिन लेकिन स्टूडेंट्स जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तब क्या होता है, तो कि तब यहां पर के की जो वैल्यू होती है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल्स टू क्या रहता है पता है तुम लोगों को भाई, इसके इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 2π। जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तब, तो अभी तुम लोगों को अगर पता ना हो इस केस में तो तुम लोगों को याद रख लेना है के इक्वल्स टू 2π। लेकिन अगर कोई नया केस हो और तुम लोगों को कांस्टेंट मतलब कि ये कांस्टेंट टर्म की क्या वैल्यू अगर पता ना हो, तो तुम लोगों का ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर कहलाएगा स्टूडेंट्स, कोई तुम लोगों का आंसर रॉन्ग नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम के की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें के की वैल्यू मिली, दैट इज 2π अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाई जी है यहाँ पे आंसर। चलो तो टी इज़ इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2π अंडर रूट एल बाई जी मिला। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने इसके टाइम पीरियड की फॉर्मूला निकाल ली कि टाइम पीरियड हमको सिर्फ इतना बोला गया था कि वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के, लेंथ के और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के। हमने इसमें से निकाला कि भाई टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला क्या होगा, हमने ये भी देख लिया कि भाई यहाँ पे मास, इन लोगों ने बोला हुआ है कि मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड वाला हमने जो फॉर्मूला निकाला वो हकीकत में मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, बस मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो क्लियर है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया। ओके तो ये जो था वो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो अभी ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का हमने तीनों के तीनों एप्लीकेशन देखे, 1, 2, 3 तीन वीडियो लेक्चर हुए होंगे तुम्हारे, 1, 2, 3 तीनों एप्लीकेशन जो हमने देखे हैं, अभी इस डायमेंशनल एनालिसिस की एनालिसिस जो मेथड है उसके हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि उनकी क्या लिमिटेशन है, क्योंकि हमने अभी उसके यूज़ तो देखे और उस यूज़ के अंदर ही मैंने बहुत बहुत कॉन्सेप्ट्स, तो तीन चार हमने टॉपिक्स निकालेंगे हम इसमें लिमिटेशंस के, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिए हैं यहाँ पे। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि के कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म इस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के अंदर जी कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म होगा तो उसका उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर इसका डायमेंशन एक तो ये कि भाई कॉन्स्टेंट टर्म के बारे में वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कोई है नहीं। यस अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें वैल्यू मिलता है, ओके सो वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी कॉन्स्टेंट टर्म, पहला वाला तुम लोगों को लिमिटेशन मिल गया, ठीक है। तो लिमिटेशन के अंदर हम पहला वाला क्या लिखेंगे यहाँ पे, डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट व्हाट, कॉन्स्टेंट टर्म अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म्स।
तो कांस्टेंट टर्म के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सर आपने तो यहाँ पे लिखा है कि इज इक्वल टू 2π, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद की वैल्यू है ये भाई, हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता है इस फॉर्मूले के ऊपर से, डायरेक्टली कुछ नहीं पता चलता कि k की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो पहला वाला लिखा है डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म्स, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है कितनी है कुछ पता नहीं चला। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे कॉन्स्टेंट, देखो हमने यहाँ पे क्या सपोज किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला हुआ था कि लेट के इज डायमेंशनलेस, लेट के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन क्या हो अगर कि जब के पास अगर कोई भी डायमेंशन हो तो देन दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। स्टूडेंट्स दूसरी लिमिटेशन है कि अगर यहां पे अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए दैट इट हैज एनी डायमेंशन तो ये मेथड काम नहीं करता है, तो हम इसको बोलेंगे कि इट कैन नॉट ओबे और इट कैन नॉट गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन और इट इज फेल। इसको हम इजीली ऐसा लिखेंगे कि इट फेल्स टू फाइंड द कॉन्स्टेंट टर्म विच हैज अ डायमेंशन, कॉन्स्टेंट टर्म के जो डायमेंशन है वो निकाल नहीं सकती है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट फेल्स टू गिव द इम्पोर्टेंस, ये तो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन क्वांटिटी, द डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, कि जिस कॉन्स्टेंट के पास डायमेंशंस है उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ पे क्या पता चला, हम यहाँ पे इसको इरेस कर लेते हैं अभी, चलो यहाँ से मैं इरेस कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे हम लिमिटेशंस लिख लेते हैं सारे। तो तुम लोगों को दो लिमिटेशन मैंने इसी में से करवाई अभी के अभी। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पीछे जाके ये पहले लिख लेना, ये नोट्स बना लेना। तो एक मैंने क्या बोला था लिमिटेशन के अंदर, फर्स्ट लिमिटेशन क्या बोला था, डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म, क्या कॉन्स्टेंट टर्म के अबाउट इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है जी बिल्कुल नहीं है। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पर ये जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हम सपोज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर डायमेंशन वाला क्वांटिटी आता है तो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डायमेंशन फॉर अ कॉन्स्टेंट टर्म विच हैज सम डायमेंशंस, विच हैज सम डायमेंशंस, कि जिसके पास सम कुछ डायमेंशंस है उसके लिए दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, सेकंड लिमिटेशन स्टूडेंट्स। चलो तीसरी देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट वर्किंग फॉर कॉन्स्टेंट टर्म्स विच हैज सम डायमेंशंस। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट वर्किंग व्हेन कॉन्स्टेंट टर्म हैव डायमेंशंस। पहला लिमिटेशन, दूसरा लिमिटेशन हमने यहाँ पे लिखा है वो मैं लिख लेते हैं यहाँ पे, इट डज नॉट हैव एनी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैन नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म्स। लाइक वॉट, जो कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यूज होती है ना, लाइक द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म्स, दैट इज इट कैन नॉट गिव वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म्स, मतलब कि वो कॉन्स्टेंट टर्म्स की वैल्यूज भी नहीं देता है हमें, कि भाई के की वैल्यू कितनी, अभी अभी हमने यहाँ पे निकाले के की वैल्यू कितनी भाई 2π, वो भी हमें नहीं दे रहा है। ठीक है,
ओके सो इट कैन नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट टर्म. चलो अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर लिखते हैं तीसरा. तीसरा क्या होगा? तीसरा दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस क्वांटिटीज विच हैव मास, लेंथ एंड टाइम. बस तीन क्वांटिटी के लिए ही ये एप्लीकेबल है. ओके सिर्फ और सिर्फ तीन क्वांटिटी के लिए ही एप्लीकेबल है. ओके तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस मेथड इज वर्किंग ओनली फॉर, या तो हम ऐसे लिखेंगे दिस मेथड इज डिपेंडिंग ऑन, हम ऐसे लिखेंगे इज डिपेंड्स ओनली ऑन द मास, लेंथ एंड टाइम. मतलब कि ये मेथड जो है depends only on the mass, length and the time. ठीक है, इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है. चलो क्लियर है, ये मेथड सिर्फ तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मास, लेंथ और टाइम. अच्छा, बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन बेस क्वांटिटीज, इट डिपेंड्स ओनली ऑन बेस क्वांटिटीज. ठीक है, मतलब कि वो बेस क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है. चलो क्लियर है, ओके है, डन है. उसके बाद और भी एक हम यहां पे एलिमिनेशन ले लेते हैं. चौथी लिमिटेशन कि इट फेल्स टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट फेल्स टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ठीक है, क्लियर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. चलो फंक्शंस क्लियर है. तो ये चार लिमिटेशंस जो है उसकी मेन, दीज फोर लिमिटेशंस limitations of what? Limitations of dimensional analysis method. तो limitations of dimensional analysis method के लिए चार limitations हम बोल सकते हैं. Students एक बार फटाफट से refer कर लेते हैं. This method is not working when constant term have dimensions. जब constant term के पास dimension होगा तब ये method काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा. It can not give any information about constant term. ये constant term के about कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है स्टूडेंट्स, कुछ भी हमें नहीं बता पा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा. वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट टर्म, इट कैन नॉट गिव द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं. थर्ड वन, दिस मेथड इज डिपेंड्स ओनली ऑन द मास, लेंथ एंड टाइम. इट मीन्स कि दिस मेथड इज ओनली किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, टाइम के ऊपर. तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, चौथी कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड करता नहीं है स्टूडेंट्स. तो अगर चौथी कोई भी चीज आई तो उसके लिए हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा लिमिटेशन है कि तीन चीजों के ऊपर जिसकी बेस क्वांटिटी तीन है, मास, लेंथ और टाइम, उसके लिए ये मेथड काम करेगा. चलो नंबर फोर,
it fails to give the information about trigonometric, logarithmic and exponential functions, students. अगर यहाँ पे हमें कुछ ऐसा हो कि tan थीटा हो, sin थीटा हो, e रेस टू माइनस एक्स हो, trigonometric यानी कि ये sin cos tan वाला, sin थीटा cos थीटा tan थीटा वाला, logarithmic यानी कि log 10 बेस 20 हो या तो 10 बेस 30 हो, तो ये हमें कोई भी इसके डायमेंशंस नहीं बता पाएगा. फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी मतलब ऐसे हो सकता है कि e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस 3/2 ऐसा कुछ हो, तो इसका हमें कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा स्टूडेंट्स. ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड हमें आंसर नहीं कर पाएगा. सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड स्टूडेंट्स. इसी के साथ तुम लोगों का यह चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज तुम लोगों को करना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी भी, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करो, इसके रिगार्डिंग दूसरे सम्स क्लियर करो और एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े से करते रहो. चलो ठीक है, ओके बाय.